खबर देवरिया जिले से है, जहां छठ पर्व की खरीदारी के लिए रुपए मांगने खेत में गई पत्नी की पति ने पीट पीट कर हत्या कर दी। शव को ट्रैक्टर ट्राली में रखकर कुशीनगर के जंगल में फेंकाया। घटना शनिवार दोपहर की है। रविवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को बरामद किया है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस तहरीर मिलने पर केस दर्ज करने की बात कह रही है। शिरोली के सुतई परसिया गांव निवासी आलोक उर्फ विपिन सिंह ने अपने पड़ोस की युवती खुशबू से 4 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों देवरिया शहर में किराए के मकान में रहने लगे। दोनों की 3 साल की एक बेटी है। आलोक जेसीबी चलाता था। बताते हैं कि एक माह पहले पति पत्नी में रुपए को लेकर तकरार हो गई। इससे नाराज आलोक बेटी को लेकर अपने गाँव चला गया। खुशबू अकेले देवरिया में रह रही थी। आलोक गाँव में खेती करने लगा था। शनिवार को दोपहर में जब आलोक खेत की जुताई कर रहा था तो खुशबू खेत में गई और आलोक से छठ पर्व की खरीदारी के लिए 3,000 रुपये मांगने लगी। इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि आलोक ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे खुशबू की मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद आलोक ट्रैक्टर का हल खेत में छोड़कर घर आया और ट्राली को लेकर गया। सिद्धार्थनगर जिले के सोलन का विधानसभा की अपना दल के विधायक विनय वर्मा ने मामले की जानकारी के अनुसार पूरा मामला जिला कारागार से जुड़ा हुआ है, जिसमें 9 सालों से सजा काट रही एक महिला को अटकल शर्मा ने से और भी सजा काट ली थी। वही विधायक विनय वर्मा के प्रयास से अटकल भरने के बाद महिला को रिहाई मिली। आपको बता दें कि महिला जिला कारागार में बंदी महिलाओं से मिलकर रिपोर्ट पर लेने पहुंचे थे। वो आ रहा है विधायक वही उनकी मुलाकात जेल में 9 सालों से सजा काट रही सोरसगढ़ निवासी महिला से हुई। महिला ने रो रो कर अपनी दुखड़ा बताई। विधायक अपनी पत्नी के साथ उसी समय मिठाई और कपड़े बांट रहे थे। इसको देखकर विधायक पत्नी को महिला पर दया आ गया। उन्होंने विधायक पति से महिला के लिए सहायता मांगी, जिस पर विधायक ने जेलर से बात कर उसके रिहाई में लगने वाला रकम भरकर उसे रिहा कराया। बता दें कि महिला की एक बेटी भी है, जिसका शादी होने वाली है। दीपावली से पहले महिला रिहा होने के बाद उसकी आंखें भर आई और खुशी का ठिकाना ना रहा। महिला ने कहा, अब मैं अच्छे नागरिक की तरह अपना जीवन यापन करूंगी।